आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर एंड प्लस स्टैटिक। जो भी क्वेश्चन हमारे बनेंगे लगभग 10-12 मिनट का वीडियो रहेगा और 10-12 मिनट के वीडियोस में हम मैक्सिमम क्वेश्चन को यहाँ पर कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऐतिहासिक, आपको पता है 33% का एक रिजर्वेशन बिल जो है डिक्लेयर हुआ है, रिजर्वेशन बिल फॉर SC ST वुमेन गाइस, SC ST वुमेन के लिए रिजर्वेशन बिल आया है। ये बिल ना तो OBC का है और ना ही अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए है, ये सिर्फ SC और ST महिलाओं को फोकस कर रहा है, जिसमें 33% का बात की गई है। बात बनती है जैसे तो करंट के क्वेश्चन हमारा बन जाए, लेकिन स्टैटिक के अंतर्गत बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर दिखने को मिलेंगे। बात यहाँ पर यह है कि ये बिल छठी बार जो है पेश किया गया है। इससे पहले कई सरकारें जो है ट्राई कर चुकी हैं, लेकिन वो बिल जो है पास नहीं हो पाया। छठी बार बिल जो है लोकसभा में पास हुआ है, इस बिल पास हुआ है लोकसभा में, और लोकसभा का जो अनुवाद है वो आर्टिकल नंबर 79 में किया गया है। गाइस आर्टिकल नंबर, ये हमारा स्टडी रहेगा साथ में, आर्टिकल नंबर 79 मतलब संविधान में मेंशन है लोकसभा का गठन, ठीक है, और लोकसभा में छठी बार इसको पेश किया गया और पास कर दिया गया। अब ये आगे फॉरवर्ड होगा राज्यसभा में, जो कार्यवाही आज होगी और ये बात चल रही है स्पेशल सेशन में। गाइस स्पेशल सेशन, अब स्पेशल सेशन कब आया? स्पेशल सेशन कॉल किया गया था 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक स्पेशल सेशन कॉल किया गया, याद रखना, ठीक है। अब इस स्पेशल सेशन में सबसे पहला जो सेशन लाया गया रिजर्वेशन बिल फॉर SC ST महिलाओं के लिए, और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात यह है गणेश चतुर्थी के समय पर ये लाया गया बिल है, और नई पार्लियामेंट में, न्यू पार्लियामेंट में शुरुआत कर दी, मतलब श्री गणेशाय नमः कर दिया गया और नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, नया पार्लियामेंट के तहत ये बिल लेके आए, पहला बिल नया पार्लियामेंट में शुरू हो गया और उस बिल को एक नाम दे दिया गया न्यू पार्लियामेंट में नारी शक्ति। गाइस याद रखना, नारी शक्ति वंदना एक्ट अधिनियम, नारी शक्ति वंदना एक्ट या अधिनियम 2023, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे, ठीक है, 2023 नारी शक्ति बंधन अधिनियम। और इसके तहत ही दिल्ली में ऑलरेडी, अगर आपसे डिस्कस किया जाए कौन सा राज्य ऐसा है जो यूटी ऐसा है, जो दिल्ली विधानसभा है जहां पर 33% महिला को आरक्षण दे दिया गया है, दिल्ली विधानसभा में मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% रिजर्वेशन है ऑलरेडी, और आर्टिकल नंबर 239 AA में ये बात करी गई है, 239 AA में ये बात मेंशन कर दी गई है। और ये बिल किसने प्रेजेंट किया लोकसभा में? गाइस ये बिल लोकसभा में प्रेजेंट किया हमारे लॉ मिनिस्टर अर्जुन मेघवाल जी ने, जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं, कानून मंत्री हैं, उन्होंने ये बिल पेश किया। कहाँ किया? लोकसभा में किया। किस अमेंडमेंट के तहत किया? गाइस देखिए सारे पॉइंट हो जाएंगे आपके, किस अमेंडमेंट के तहत किया? 128 अमेंडमेंट बिल, अमेंडमेंट बिल के तहत पास कर दिया गया लोकसभा के अंदर। अब सबसे महत्वपूर्ण डिबेट चलेगा राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर ये डिबेट चलेगा, और राज्यसभा को संविधान में जगह दी गई है 80 आर्टिकल के तहत, राज्यसभा को रखा है संविधान में 79 में, लोकसभा को रखा गया है। तो पार्लियामेंट के तीन कंपोनेंट हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसी से मिलकर बना हुआ है। अब चर्चा का विषय का रहेगा राज्यसभा में। अब देखिए यहाँ से और भी पॉइंट बन सकते हैं कि लोकसभा में कम से कम कितने प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए? 15%, लेकिन 15% से कम है, याद रखना। लोकसभा में 15% से क्या है? कम है, माइनस मतलब कम है। यहाँ पर 15% महिलाएं सांसद ही नहीं है, लगभग लोकसभा में कितनी महिला सांसद हैं?
82 महिला सांसद हैं गाइस करंट की बात करें तो, याद रखना अगर इनको 33% रिजर्वेशन मिल गया तो ये संख्या हो जाएगी लगभग 181, याद रखना है 82 सदस्य संख्या महिलाओं की करंटली है, अगर 33% इनको मिलेगा तो 181 सीटें रिजर्वेशन हो जाएगा SC ST महिलाओं के लिए। बहुत बढ़िया पॉइंट बनेंगे यहाँ से आपके, याद रखना है 181 सीट जब मिलेगा, क्योंकि अभी तो पास हुआ है लोकसभा में, बहुत टाइम लगेगा क्योंकि ये पास तो हो जाएगा, मैं आपको बताऊं पास तो हो जाएगा और इसको लागू कब करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2026 के बाद गाइस, 2026 के बाद इसको लागू किया जाएगा, ये यहाँ दिक्कत आ रही है। 2019 में एक हमारा अमेंडमेंट हुआ था NRC का, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2019 में, लेकिन वो लागू नहीं हुआ है, उसको बनाकर रेडी कर लिया है भारत सरकार ने, लेकिन वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अभी लागू नहीं हुआ है। ऐसे ही ये इसको पास करा लेंगे राज्यसभा से भी, ये दोनों में बहुमत BJP पार्टी का ही, इसलिए राज्यसभा से पास कराने के बाद ये 2026 के बाद एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब लागू करेंगे 2026 के बाद लागू करेंगे भारत के अंदर। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखना है। ये तो बात होगी यहाँ पर कि SC ST मिलेगा, रिजर्वेशन कहाँ मिल रहा है लोकसभा में प्लस विधानसभा में, विधानसभा मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लोकसभा विधानसभा मिलेगा, विधान परिषद में नहीं मिलेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा में ये रिजर्वेशन मिलेगा। अभी हमने लोकसभा की बात करी कितने परसेंट, 15% होनी चाहिए, 15% से भी कम महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक है, संख्या मैंने निर्धारित कर दी है, इंपोर्टेंट रहेगी। लोकसभा में SC की बात करें, करंटली SC की सीट कितनी है, 84 है गाइस, अगर ST की बात करें तो कितनी सीट है, 47 है। तो ये हमारा एक इंपोर्टेंट सेशन है, इसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए कि ऐतिहासिक हिस्टोरिकल बिल है, हिस्टोरिकल बिल है, इसलिए हम लोग आपसे डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा आप भी जानें क्या चल रहा है। अगर यहाँ 84 का अगर 33% होता है तो यहाँ लगभग आपका बैठ जाएगा, इसका होगा 30%, देखना एक बार निकाल के देखना आप लोग, इसका बैठेगा 23 और इसका बैठे 28, देखना 28 ही होगा, 84 का 33% 28 सीट हो जाएंगी, फिर 47 में से जो ST का है, ST 47 करंट है, अगर 33% मिलेगा तो 23 सीटें रिजर्व हो जाएगी SC ST महिलाओं के लिए। ये तो हमने बात करी लोकसभा, अगर विधानसभा की बात करें, राज्य और विधानसभा भी है, तो विधानसभा में प्रॉब्लम यहाँ 10% होना चाहिए, लेकिन 10% से भी कम है, 10% से भी कम है गाइस, से भी कम है, कहाँ पर कम है, विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में 10% से भी कम है, इसीलिए सबसे कम जो महिला है विधानसभा में वो है हिमाचल प्रदेश में। HP में 1 कैंडिडेट ही MLA है, विधायक, और सबसे ज्यादा की बात करें तो वेस्ट बंगाल है, यहाँ अच्छा परसेंटेज देखने को मिल रहा है, महिलाओं की भागीदारी है, नेता लोग हैं महिलाएं, 13%। हम बात करें झारखंड की, झारखंड में लगभग 12% है। हम उत्तर प्रदेश की बात करें वो भी लगभग 10% रखता है, मतलब और स्टेट, ये स्टेट जो है ठीक ठाक है जहां पर महिलाओं की संख्या अच्छी है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए नॉर्थ ईस्ट में भी महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है, वो चूल्हा चौका बासन में लगे रहते हैं, उनको नहीं पता देश के हालात क्या है, देश में इलेक्शन कैसे होना है, कैसे क्या करना है, इसलिए 33% पर बहुत बड़ा डिबेट भी था, बहुत बड़ा मुद्दा भी था। क्यों मुद्दा था, मुद्दा बन गया था क्योंकि ये SC ST के लिए, OBC के लिए नहीं, इस पे मुद्दा उठाए विपक्षी पार्टियों ने। दूसरा मुद्दा क्या था कि इसको आप 2026 के बाद लागू करोगे, ये मुद्दा था यहाँ पर, तो 2026 के बाद क्यों कर रहे हो, इसको तुरंत करना चाहिए था, तो ये मुद्दा यहाँ पर सामने निकल के आए और इस पर काफी सारा बहस हुई है। तो यहाँ से आप करंट अफेयर्स के हिसाब से क्वेश्चन निकाल सकते हो और साथ में स्टडी के रूप में भी क्वेश्चन बना सकते हो आराम से, ठीक है। इस आर्टिकल में दिल्ली में 33 है और दिल्ली में विधानसभा सीटें कितनी हैं, तो आप बता सकते हो 70 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से लगभग 23% इसको रिजर्व है महिलाओं के, मतलब 33%। तो ये हमारे यहाँ तक क्वेश्चन हो जाएंगे इम्पोर्टेंट गाइस, कोई और डिस्कशन हो तो बताना है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।